पंजाब विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ पहले ताले को लेकर हुआ और उसके बाद सुखविंदर कोटली की के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई चीफ मिनिस्टर की जिसको लेकर यहाँ पे हंगामा हुआ हमारे साथ सुखविंदर कोटली हैं जो आदमपुर से कांग्रेस के एमएलए हैं कोटली जी पहले तो बताइए ताले को लेकर क्या हंगामा हुआ था जब सी लेकर आए थे ताला देखिए ये तो एक बड़ी अजीब सी गल थी कि सी एम पैक करके एक ताला जो है वो स्पीकर को भेंट कर रहा है प्रेजेंट कर रहा है कि आप भी ताला लगाओ विरोधी पार्टी का कोई भी एम एल बाहर नहीं जाने देंगे ये क्या बात है ये क्या असूल है विधानसभा का विधानसभा में कोई भी व्यक्ति वॉकआउट कर सकता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले सकता है चाहे चीफ मिनिस्टर बोलता हो कोई भी बोलता हो ये क्या एक नई परंपरा जो जहाँ सीएम साहब शुरू कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो हमने बोला हम बैठेंगे हम बहस में हिस्सा लेंगे और पहले ये बताओ स्पीकर साहब कि क्या ये बात सही है अगर सही है तो फिर लगाओ ताला देखते हैं फिर आप आप, आप ताला लगाते हैं तो फिर उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया हमने नारेबाजी की ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और मुझे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब बिलासपुर जी बोल रहे थे तो सॉरी तो मैंने बोला मैंने बोला बिलासपुर जी आप इतनी दलत होकर के कर रहे हो क्यों नहीं आप ये कहते कि पंजाब में दल डिप्टी मुख्यमंत्री बनाओ जो सीएम साहब ने इलेक्शन से पहले वादा किया था क्योंकि मैंने पहली तारीख को ये उस दिन के सवाल लेकर के आया था और आपने भी कवर किया था शायद उस दिन के लिए मैंने बोला था कि मैं दल डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने की बात पंजाब की विधानसभा में करूंगा तो आज भी मैंने सुबह ट्वीट किया तो जिस वक्त वो बोल रहे तो मैंने बोला कि पंजाब में दल डिप्टी सीएम लगाओ सी साहब पंजाब में डिप्टी सीएम लगाओ कब लगाओगे कब मैंने नारे लगाए तो उन्होंने मतलब मुझे बोला इसको दौरा पै गया है इसको जुत्ती संघवाओ इसको दौरा पे गया इसको ये क्या इसके सीएम की क्या बात है हम एक दलित हैं हमें कोई जुती दिखाएगा जुती संगाएगा क्या हम हम दिमागी तौर से परेशान हैं मतलब ऐसा मैंने कभी कोई देखा नहीं मुख्यमंत्री मारी मारी बात पे रिएक्ट करता है और एक निकोदर विधानसभा की एमएलए बोल रही थी उन्होंने मेरा नाम लिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना मेरी मेरी ड्यूटी है जब कोई मेरा नाम लेता है तो बोलती कि ये सीएम को ऐसे कहते हैं मैंने बोला मैं तो सीएम से कभी मिला ही नहीं आज तक और सीएम साहब आप बताए मैं आपको कभी मैंने दो साल हो गए बताया मेरे कभी मिला ही नहीं उनको तो मुझे बोला जा मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं आपको मिलना नहीं चाहता मैं हमने नहीं मिलना आपको ये ये क्या बात है तो मुख्यमंत्री साहब एक नुमाइंदों का अपमान कर रहे हो जो आज आपने मेरा अपमान किया है मैंने मीडिया के सामने ठीक है मैं पावुक हूँ एक व्यक्ति के सेंटीमेंट्स होते हैं मैं दलतों के लिए चालीस साल लड़ता रहा हूँ और संघर्ष करता रहा हूँ और मैं ऐसा अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा सीएम साहब आपसे बदला लूंगा आप तकड़े हो वो मैं चुकने वाला नहीं है डरने वाला नहीं हो ना कोई हमारे पास घर है ना कोई पैसा है ना कोई और है हम तो दलितों की लड़ाई गलियों बाजारों में लड़ते रहे हैं और आज तक लड़ाई लड़ते लड़ते इस विधानसभा में पहुंचे हैं अगर मैं चुना हुआ दलितों का नुमाइंदा दलितों की बात पंजाब की विधानसभा में नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा ये दलित विरोधी मुख्यमंत्री है देखो इन्होंने पहले ऐसी कमीशन पंजाब में अभी तक उसका कोई चेयरमैन नहीं लगाया और एस कमीशन अकेले को बहुत तो से कमीशन बने हुए हैं एस कमीशन को तोड़ करके दस मेंबर से पांच मेंबर कर दिए और छह साल से कार्य तीन साल कर दिया ये मैंने उस दिन भी मीडिया के सामने बोला था और आज भी मैं ये बातें जो मैं दलितों की बात जहां नहीं करूंगा तो फिर मैं कौन करूंगा आज तक दो साल हो गए उसका कोई चेयरमैन नहीं लगाया उसके मेंबर रिएक्ट उसको कम कर दिए समा सीमा कम कर दी सो ये दलत विरोधी आज मुख्यमंत्री बिल्कुल हम सुनते थे लेकिन आज हमने आंखों के सामने और कानों से सुन लिया कि ये दलत विरोधी है और मैं आज अपनी जवान से कह रहा हूँ कि सीएम साहब जो आपने आज मेरा अपमान किया है आपको इसकी कीमत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आप तैयार रहिए थे आदमपुर से कांग्रेस के एमएलए सुखेंदर कोटली जिन्होंने टोटली बताया कि किस तरह सुबह ताले को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई जब सीएम अंदर ताला लेकर आए और बोला कि ताला लगा देना चाहिए अंदर से ताकि अपोजिशन वॉकआउट न करे उसके बाद जो एमएलए ने अक्यूज़ किया कि इनको चीफ मिनिस्टर ने बोला है और काफी नाराज़ हैं गुस्से में हैं कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी एबीपी न्यूज चंडीगढ़